हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पथिक द गाइड। दोस्तों, आज हम आए हैं गीता मंदिर, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। यह मंदिर हरिद्वार के कनखल में पड़ता है। वैसे भी कनखल में बहुत सारे मंदिर हैं, जिनमें से दक्ष प्रजापति मंदिर, शीतला माता मंदिर, हरिहर आश्रम जिसमें कि पारद शिवलिंग और रुद्राक्ष का वृक्ष है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उन वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वो वीडियोज़ वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अभी मैं हूँ गीता मंदिर के मेन गेट पे। इस मंदिर का गेट काफ़ी अट्रैक्टिव और बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। तो अभी हम एंट्री करते हैं मेन गेट से और चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर। मेन गेट से एंट्री करने के साथ ही सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको एक शॉप मिलेगी, जहाँ से आप चाहें तो परचेजिंग कर सकते हैं। और राइट साइड में है मेन मंदिर। तो अभी हम चलते हैं मंदिर की तरफ। मैं हूँ मुख्य मंदिर के गेट पे और अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं इस खूबसूरत मंदिर के। दोस्तों, हम आ गए हैं मुख्य मंदिर के अंदर। यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले हम आए हैं राधा कृष्ण मंदिर में। राधा कृष्ण मंदिर में स्थापित राधा कृष्ण की यह प्रतिमा बहुत ही अच्छी है। राधा कृष्ण मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं भगवती श्री गीता माता मंदिर में। यही है यहाँ का मुख्य मंदिर और मंदिर में स्थापित गीता माता की यह प्रतिमा बहुत अच्छी है। गीता माता मंदिर के बराबर में लक्ष्मी माता का मंदिर है। जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं भगवान शिव के मंदिर की तरफ। दोस्तों, अब हम आ गए हैं भगवान शिव और माँ दुर्गा के मंदिर में। यहाँ पर माँ दुर्गा की काफ़ी अच्छी प्रतिमा स्थापित की गई है और इनके साथ ही यहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग भी स्थापित किया गया है। और भगवान शिव के मंदिर के बाहर नंदी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। मुख्य मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम करते हैं इस मंदिर की परिक्रमा। इस मंदिर के परिक्रमा मार्ग में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को प्रदर्शित किया गया है। मैं आपको एक एक करके माता के सभी स्वरूपों के दर्शन कराता हूँ। माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों और मंदिर की परिक्रमा करने के बाद अब हम आ गए हैं मंदिर के सामने की तरफ और यहाँ पर दर्शन करते हैं ऋषि मुनियों और देवताओं के। यहाँ पर स्वामी विद्यानंद जी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पर भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों और स्वरूपों को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें सबसे पहले भगवान वाराह, उसके बाद नरसिंह भगवान और उसके बाद वामन अवतार में भगवान विष्णु को प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पर स्वामी मंगलानंद जी महाराज की तस्वीर है और यहाँ पर भगवान परशुराम, श्री राम और श्री कृष्ण जी की प्रतिमाएँ स्थापित की गई हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं। यहाँ पर स्वामी सदानंद जी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही है। और मंदिर के इस तरफ भगवान बुद्ध, कल्कि अवतार और जगतगुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमाएं हैं। मुख्य मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। मुख्य मंदिर के बाहरी दीवारों पर अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं। मुख्य मंदिर के बाहरी एरिया में बालाजी महाराज का मंदिर है। यह मंदिर बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत है और इस मंदिर के अंदर स्थापित बालाजी महाराज की प्रतिमा उतनी ही अच्छी और उतनी ही खूबसूरत है। बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं सामने की तरफ और देखते हैं कि सामने कौन सा मंदिर बना हुआ है।
बालाजी महाराज के मंदिर के सामने श्री सिद्धि विनायक गणपति भगवान का मंदिर है। यह मंदिर भी बालाजी महाराज की तरह ही उतना ही अच्छा और उतना ही खूबसूरत है और इस मंदिर में स्थापित गणपति भगवान की प्रतिमा भी उतनी ही अच्छी और उतनी ही खूबसूरत है। गणपति भगवान के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं हवन कुंड की तरफ। दोस्तों अब हम आ गए हैं हवन कुंड यानी कि यज्ञशाला की तरफ। यहाँ पर समय समय पर हवन और यज्ञ किए जाते हैं। यह यज्ञशाला बहुत ही अच्छी बनी हुई है और इस यज्ञशाला के खंभों और ऊपरी हिस्से में मंत्र लिखे हुए हैं। इस यज्ञशाला के ऊपरी हिस्से में हिंदू धर्म के चार वेदों के नाम चारों दिशाओं में दर्शाए गए हैं। मैं आपको यज्ञशाला की परिक्रमा करके ऊपर दर्शाए गए वेदों के नाम को दिखाता हूँ। दोस्तों यह यज्ञशाला बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा है और वैसे भी जहाँ के खंभों पर मंत्र और चारों दिशाओं में वेदों के नाम लिखे हुए हों, ऐसी जगह देखना और उसकी परिक्रमा करना अपने आप में ही सौभाग्य की बात है। मुख्य मंदिर और यज्ञशाला के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं गार्डन की तरफ। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा सा गार्डन भी बना हुआ है जिसमें कई तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो कि देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर एक सुंदर सी बिल्डिंग भी बनी हुई है जिसमें इस मंदिर से जुड़ी हुई जानकारियाँ लिखी हुई हैं। यहाँ पर इस भवन पर 1986 के कुंभ पर्व को भी दर्शाया गया है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो यह मंदिर हरिद्वार के कनखल में है। आप यहाँ पर हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से ऑटो या फिर ई रिक्शा से आ सकते हैं। यहाँ तक आने में आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। गीता मंदिर परिसर में बने सभी मंदिरों और यज्ञशाला के दर्शन करके हमें अच्छा लगा। अगर आप कभी कनखल आएँ तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।